हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फिल्म्स, इसकी समरी बताने जा रहे हैं आपको। लेंचो एक बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग फार्मर है जो एक सुंदर सी घाटी में रहता है। उसका घर उस घाटी उस पहाड़ी की चोटी पर है। वो हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखता है और उसके खेतों में सुंदर सी कॉर्न की क्रॉप जो है तैयार हो रखी है और जिसको पानी की आवश्यकता है। तो लंको जो है रेन के लिए प्रे कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी वजह से अगर रेन आ जाती है तो उसकी बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो जाएगी, जिससे उसको अच्छा पैसा मार्केट में मिलेगा। एक दिन उसकी वाइफ जो है लंको को और उसके जो बच्चे हैं उनको खाने पर बुलाती है। वो बेचारे खाना खाने के लिए बैठते ही हैं, तभी आसमान में काले काले बादल बारिश के भरे हुए दिखाई देते हैं और जो पहाड़ों के ऊपर से चले आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट होती है। लंको इतना खुश होता है कि वो उस बारिश को फील करने के लिए, उस बारिश की बूंदों को फील करने के लिए बाहर जाता है और अपनी खुशी में ये कह बैठता है कि ये जो बारिश की बूंदें नहीं बल्कि ये पैसे बरस रहे हैं, साक्षात सिक्के बरस रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश एक बहुत बड़ी ओला वृष्टि में चेंज हो जाती है, यानी हेल स्टॉर्म। और देखते ही देखते कुछ ही क्षण में, कुछ ही घंटों में उसका पूरे का पूरा खेत जो है हेल स्टॉर्म से सफेद हो जाता है। जब बारिश रुकती है, लंचो खेत में जाता है, देखता है तो बहुत दुखी होता है। दुखी होकर के कहता है कि शायद टिड्डियां भी इससे ज्यादा छोड़ देती, इस बार तो हम भूख से मरना ही होगा। लेकिन उसकी वाइफ जो है उसको ढांढस बंधाती है और भगवान में विश्वास करने का भरोसा दिलाती है। अगले ही दिन सुबह इस बात को कि यस कोई भूख से नहीं मरता, भगवान सबका साथ देते हैं, वो जाकर के जो है पेपर लाता है पोस्ट ऑफिस से और एक लेटर लिखता है भगवान के लिए, जिसमें वो लिखता है कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसे 100 पीसों की जरूरत है जिससे कि वो जीवित रह सके जब तक अगली फसल नहीं आती है। पोस्ट स्टैंप लगा के और पोस्ट बॉक्स में लेटर को डाल देता है। पोस्टमैन आता है, उस लेटर को कलेक्ट करता है और एड्रेस देख करके हंसता है। हंसता हुआ वो ये लेटर अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। दोनों खूब हंसते हैं कि क्या इंसान है जो भगवान के लिए लेटर लिख रहा है, हमने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। बट थोड़ी देर बाद पोस्टमास्टर सीरियस हो जाता है और इस बात को महसूस करता है कि वाह, क्या भगवान में इस बंदे की फेथ है। खुद भी एक दयालु और रिलीजियस बंदा होने की वजह से वो ये डिसाइड करता है कि हमें इस लंचो नाम के जो है फार्मर की भगवान पर भरोसा न उठ जाए तो कुछ करना होगा। और कुछ करने के लिए वो सभी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयियों से पैसे इकट्ठे कलेक्ट करता है। कुल मिला के 70 पैसे इकट्ठे कर पाते हैं पीसोस, जो वो एक एनवेलप में रख करके और एक लेटर जिस पर साइन कर देता है गॉड के नाम से भेज देता है। अगले वीकेंड जाकर के लंको सुबह ही पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है लेटर लेकर के और चुपचाप वहां से चला आता है। जब वो लेटर को खोलता है तो उसको 70 पीसों मिलते हैं। गुस्सा हो जाता है, वापस जाता है पोस्ट ऑफिस में, दोबारा एक पेपर मांगता है, पेन मांगता है और दूसरा लेटर लिख करके जो है वो भगवान से कहता है कि मुझे केवल 70 पीसों मिले हैं जो विक्ड और चीटर क्रुक्स ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं, इन्होंने हमारे 30 पैसों चोरी कर लिए हैं। भगवान हमें पैसों की सख्त जरूरत है, बाकी पैसे हमें जो है अब की बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं डायरेक्टली भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने हमारे 30 पैसे चुरा लिए। तो ये स्टोरी जो है
दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट को भी हाईलाइट करती है। पहला कॉन्फ्लिक्ट है मैन वर्सेस नेचर, जहां पर लेंको नेचर से प्रे करता है कि उसके खेत को जो है बरसात चाहिए, भगवान से वो प्रे करता है कि उसके खेत को बारिश चाहिए। नेचर उसकी इस कॉल को रेस्पॉन्ड करती है बट हेल स्टॉर्म के साथ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है जो मैन वर्सेस नेचर दिखाया गया, जिसमें उसकी फसल डेस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा, बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके से जी एलिफेंट्स ने यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट किया है कि पोस्ट मास्टर बींग काइंड एंड रिलीजियस परफॉर्म एन एक्ट ऑफ चैरिटी, डेस्पाइट दिस अ रिलीजियस पर्सन, अनदर रिलीजियस पर्सन हु हैज फर्म फेथ इन गॉड, दैट इज लैंको, सस्पेक्ट हिज एक्ट ऑफ चैरिटी एंड कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रुक्स। इस तरह से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। यही हमें मोरल देती है कि अगर हमारा भगवान पर दृढ़ विश्वास है तो हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। यस, भगवान हमारी मदद जरूर करता है, तरीके उसके होते हैं कि वो किसके रूप में और किस फॉर्म में हमारी मदद करे। थैंक यू।